चल जा बाहर देख क्या कौन है। पापा बाहर आपको कोई बदतमीज सा दोस्त आया है। हैं? चल ठीक है, तुझे तेरे पैसे 3 दिन तक मिल जाएंगे। अब अगर तूने इन 3 दिनों में कोई फनकारी दिखाई ना तो पुलिस में तेरे घर के बाहर लाके खड़ी कर दूंगा। ठीक है। अभी तक आपने मेरी स्कूल की फीस ही जमा नहीं करवाई। हैं? फीस भी? लगता है मुझे गैस हो गई थी। है? कोई उठाने नहीं आया मुझे। वो आधे घंटे से इधर मैं लेटा पड़ा हूं, कोई बगायत बाहर नहीं आया मैंने चुकन। ऐ इज्जत है प्यो दी घर दे विच। प्यो ने सिर्फ इन्हां दे बिल देने ने, इन्हां दी स्कूल दी फीसां देनियां ने। पुछना मैं इन्हां नूं जाके। ओ वाह वाह, आज तो चिकन डिनर मिला मुझे। ओ जा जा तू जानी जा, मैं देखता हूँ पीछे से जा मैं देख। हाँ नहीं अम्मी, वैसे भी उसने गलत किया है, पता है भाइयों के घर रहने आई है 4 दिन, तो जरा चुप करके रह ले। भाभियों का पता तो है आगे से कैसे जलील करती है। ओ परवाह है किसी को? हाँ नहीं नहीं नहीं, तो फिर आगे से उसने क्या कहा? ऐसी की तैसी इसकी यार, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं बाहर बेहोश हो गया था। हाँ वो क्या हुआ है आपको? छड़ दे मां दी जान, अल्लाह ने बंदे ने भी कुछ हकूक रखे ने, सिर्फ मां दे हकूक नहीं है गे। कुछ नहीं अम्मी, मैं आपसे थोड़ी देर तक बात करती हूँ, ठीक है? ओके चल चल जा, पकड़ 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 चुपड़ छी पकड़ 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 पकड़। एनू देखो ना, फूना बाहर निकलन दी फुर्सत नहीं हैगी नवाब साहब नू। यस बंदा उथे मरण डिया ते तू इत्थे हासा सुन ते गल्ला कर। मेरे मैके वालों को कुछ ना कहना आप अब। ओ चल छड़ गल्ला, मैनू चाह बना दे, कमजोरी जी हो गई है। अच्छा जरा सी गैस क्या होगी, साथ ही मैनू कमजोरी होना शुरू हो गई है। ब्राउन मुंडे ओ कुर्ते ला पैंटी ना लोता दी गारंटी है, सेम साडे कोल आ ते लोक होए एंटी है, यारी दी गारंटी है, लोकी ते सेंटी है, दुनिया ते एंटी है। ओ तू जाके दरवाजा खोल आ, बाहर तुझे बेल की आवाज नहीं सुनाई दे रही। हमेशा घर के दरवाजे मैं ही खोलूं, बस सामने इतनी महंगी महंगी किताबें रख के तो फोन पे लगा हुआ है। ये कैसी बात कर दी मम्मी आपने, बुक से ज्यादा महंगा तो मोबाइल ही है, उसको टाइम दे रहा हूँ। सही जलील हो ना तू आपदे प्यो को, लो महंगी चीजों पे ज्यादा टाइम देना चाहिए। और रुक जाओ सारे, अपना काम करो, खोल देता हूँ मैं दरवाजा। ठीक है पापा, चलो ठीक है जाए देख आए। ओ कुर्ते ना पैंटी ना नोटा दी गए, ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम ना कपड़े सेल करने वाली हैं। वैसे तो मुन्ने के अब्बा की इच्छरे में दुकान है, लेकिन हम घर घर जाके भी सेल करें। हमारे पास ब्रांड के रेप्लिका कपड़े भी हैं, सस्ते सस्ते ही हैं, ज्यादा नहीं है, 9-9 हजार के हैं, लेकिन हम आपको 900 के दे रहे हैं। ब्रांडों में जाते हो ना लुटीच की आते हो, हम आपको 900 में दे रहे हैं। और क्वालिटी देखो, क्लासिक लोन क्रिज्मा। तो बीबी मेरा क्या ताल्लुक इन कपड़ों से, अब तुम चाहती हो कि मैं ये कपड़े पहन के तो मल्ले में शबाना बन के फिरूं। ये तो बिस्ती कर दी आपने हमारी। तो भाई आपको अपनी बीवी को भेजना चाहिए था ना, आप खुद आके दो जवान जान औरतों से बातें कर रहे हो। कमाल हो गई भाई तुम लोगों की। और हम एवे तेवे के लोग नहीं है, इच्छरे में दुकान है, मतलब हमारा एक ब्रांड है, ठीक है ना, माना हम रेप्लिका सेल करते हैं। बुलाएं अब खाला को। और बीबी ऐ देख, ऐसे साढ़े कोल जहर खान दे पैसे नहीं है गे, तो तू क्लासिक लोन बेचन आ जा। तो हमारे कपड़े तो जहर से भी सस्ते हैं। और नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हद होती है। वैसे भाई साहब मगरीब हो गई है, चलो घर आ गए होंगे सारे आदमी। हाँ मुन्ने के बाने देखने ना, वैसे ही चित्र पड़ेंगे। हाँ, कि तुम कहाँ घर घर कपड़े बेचती पी हो। ओ मैं एक बात सोच रहा था, ये औरतों के बटवे में बड़े पैसे होते हैं, मार्केट जाती हैं, जूते लेती हैं, कपड़े लेती हैं, मेकअप लेती हैं, पता नहीं क्या क्या, और हजारों खर्च करके आ जाती हैं। तो क्यों ना घर का बटवा खाली करके इज्जत का टोकरा भरा जाए। ओ क्या हुआ, कौन था बाहर? ओ कोई नहीं,
तू सारी बातें छोड़, जाके कमरे में आराम कर, मैं तेरे वास्ते गर्मा गर्म चाह बना के ले आना। खैर ही हो सही आज आपको, की याद करेंगी। अच्छा चलो आज हम भी फिर आराम कर ही लेते हैं। हाय अल्लाह, अरे अल्लाह जी, काम कर कर के अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियां भी जवाब दे गई हैं। औलाद को पैदा करके पालना कोई सौखा काम नहीं है। वो तो इनके पप्पा को आज पता नहीं क्या हो गया जो मेरे काम में मदद कर रहे हैं। मुझे तो अपनी शादी के वो दिन याद आ गए, नवी नवेली जब मेरी शादी हुआ करती थी। आए हाय, चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अल्लाह ऐसे ही सबको खुशबाश रखे। सामने बातें ऐसी क्या काम है? बोल, बाहर दूध वाला आया है, वो पैसे मांग रहा है। टेंशन ही टेंशन है, सर पे कितने पैसे थे बोल, मैं दूं? और तू रुक जा, मैं पैसे दे देता हूं। अच्छा चलो दे दे आप फिर। ओके तू रुक जा, मैं पैसे दे देता हूं। सलाम अलैकुम। वो आ गया फिर तू आज पैसे लेने, और देखो देखो लोगों पैसे मांगने आया है। कितने पैसे थे तेरे? 1.5 लाख। और जितने भी हो उससे 10-20 रुपए तुझे ऊपर ही दूंगा। ये पकड़ अपने पैसे, पकड़ नहीं बल्कि उठा अपने पैसे। लोग दे बहुत ही पैसे आ गए ने तेरे कोल ते, और निकाल इधर से। और आइंदा के बाद कभी तूने जो मुझे धमकी दी ते पुलिस ले आऊंगा तेरे घर, ते मैं तेरे गिट्टे पांदेगा। और कभी मेरे नाने दादे ने पुलिस नहीं देखी ते तू मेनू पुलिस दिखाएगा। और रुक जा बल्कि, ए भी फड़ ते निकल इथों, कभी घरों बाहर नजर ना ही मेनू आप दे। चल ये बड़े आजकल नोटी हुए हुए हैं। हाय अब कूड़े वाले को भी पैसे देने हैं, दूध वाला भी आ गया है, उसका भी 200 रुपया निकाल लेती हूँ। तो गाइस अगर आपको ये बाय करनी है तो मैंने इनकी वेबसाइट मेंशन कर दी है, यू गाइस गो एंड बाय दिस। और मेरा भाई भी आ गया। हेलो गाइस, वो मेरा भाई भी आ गया। ना भिंडी ना तोरी, हमारे घर में हुई है चोरी 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 चोरी। हाँ तो मेरा भाई ये कह रहा है कि ये चोरी भी हो जाते हैं समटाइम, तो आपको इनकी रखवाली भी करनी होती है। हाँ जी, और ये इनमें से मैं ये एक वाला अपने भाई को दे दी। तो गाइस आप भी अपने बहन भाइयों को दीजिए। बाय #brothersistergoals। तुम्हें पता नहीं है मैं लाइव आ रही हूं, और अगर मेरे फैंस ये बात सुन लेते तो अभी मुझे अनफॉलो कर जाते। मेरा एक एक फैन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओए तुझे नहीं पता चोरी हो गई है हमारे घर में, चोरी हो गई है। तो मैं क्या करूं चोरी हुई है तो? वाह, तो अब चोर को
कि घर में चोरी हो गई है। चोरी भी तुमने खुद ही की है और पूरे घर में शोर भी तुम ही मचाते फिर रहे हो। ओ अच्छा, अब तू मेरे पे इल्जाम ना लगा बच्चू, तू खुद चोरियां करती थी बचपन में, याद नहीं तुझे स्कूल में? अच्छा सारी बातें छोड़, ये बता के ये मैं ले लूं? हाँ एक्सक्यूज मी, तुम्हें ऐसे लगता है कि ये मैं तुम्हें दूंगी? वापस करो इधर और चल चल निकल निकल सुंडी के मुंह वाली, निकलो यहां से, लोटे जैसी तेरी शक्ल है, और चल चल निकल 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 यहां से। चोर चक्की ना बुंदी ना तोरी, हमारे घर में हुई है चोरी चोरी। ए पक्का काम वाली दे काम होने ने, एने पहले मेरा कमरा साफ कीता है तो उस तो बाद मेरा बस्ता साफ कीता है, आ लैन तो बगैरत नु कल मैं नु वेखनी आ कल। ते काम वाली नु कंज पता मेरे बैग च पैसे ने, ते एडी वड्डी रकम तो किन्ने चोरी कीते ने मेरे तो समझो बार। मैं पूछनी हूँ, नहीं तो टेट के ने चोरी कीते रहने, कोई तो साढ़े घर से चोर बैठा है, आज सीना ने सब बन के करो ही पैसे चोरी करी जाते ने सारे। हाय अल्लाह, आपको नहीं पता लगा मेरे पैसे चोरी हो गए हैं? हैं? पैसे चोरी हो गए ने? ऐ किन दी हरकत है उन? मुझे तो ये काम वाली के काम लग रहे हैं। हाँ तो बस ठीक है, उसे फोन कर और फारक करा दे, बोल कल से काम पे ना आए। नहीं ऐसे कैसे मैं उसे फोन करके फारक कर दूं? मैं पूरी जांच पड़ताल करूंगी और उसके घर जाऊंगी और अपना पैसा वापस लेके आऊंगी, ऐसे कैसे पैसे मैं छोड़ दूं? और दफा करा, क्या जरूरत पड़ी है उनके मुंह लगने की? थोड़े से पैसे थे, कितने थे? नहीं ऐसे कैसे, रुपया 2 लाख था पूरा मेरा। और तेरे पास इतने पैसे कहां से आए वैसे? पिछले दिन अम्मी नहीं आई थी, वो देखे गई थी मुझे, कह रही थी कि अपनी जेब भरी रखा कर हर वक्त। तो तेरी अम्मी ने तेनू ए गल नहीं दसी सी कि जो जेब भरने आ ना तो बंदे नू पैसे फड़ाने आ? ऐ पैसे तू अज मेनू फड़ाए होंदे ना तो मैं वेखना कि हिम्मत सी मेरे को लैके जाता तो चोरी करके लैके जाता। हाय अल्लाह, मुझे क्या पता था वो काली बिल्ली ये हरकत करेगी। चोर भी बड़ा सियाना है जो भी है। मैं उस औरत नू हुण छड्डना नहीं हैगा, मैं पुलिस बुलानी है तो मैं कोर्ट कचहरी तक जाने, मैनू मेरे पैसे वापस चाहिए ने। ओ छड्ड है पुलिस कचहरी दे चक्कर, आराम नाल ओनू कम तो कट दे, आपे ही नहीं आई कल तो। इतनी बड़ी रकम घर से चोरी हुई और आपको कुछ भी नहीं हो रहा? चल तू आपदा दिमाग ठंडा कर ते जाके आराम कर। नहीं मैं ऐसे कैसे आराम कर लूं, एड्डी वड्डी रकम चोरी हो गई घर तो तुसी मैनू कह रहे जे आराम कर? आराम कर ठीक है, आराम सुकून की आप मेरी जिंदगी से। और मैं आराम से कैसे सो जाऊं, आराम से कैसे सो जाऊं, मेरे पैसे चोरी हो गए और ये किसी आम इंसान का काम? ए गंद मारे आए सारे खाचे, हले मारे घर के मर जाना सी। जे पोकटा परियां रैन और मेरे अगे पीछे परियां रैन, क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये किसी आम इंसान का काम नहीं है। क्या करूं, काम वाली को भी दिखाने के लिए ना सबूत तो चाहिए मुझे। क्या ले, कितनी बड़ी बेवकूफ हूं, कैमरा कमरे में लगा हुआ है और चोर भाई तलाश कर रही हूं, हाले देख लेनी है। और मैं कैमरे में देख रही हूं कि किसने लिए मेरे पैसे,